नमस्कार दोस्तों, आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है पांच लक्षण। पांच ऐसे लक्षण जो बताएंगे आपको कि आप भविष्य में सफल बनेंगे या नहीं। तो उन पांच कारणों की, उन पांच लक्षणों के बारे में हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस चैनल को। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोज लगातार नियमित अंतराल पर आपको मिलती रहे। तो पहले लक्षण की बात करते हैं हम। पहला लक्षण है अपने लक्ष्य के पीछे जुनून की हद तक भागना। आप अगर अपने लक्ष्य के पीछे जुनून की हद तक भागते हैं तो निश्चित तौर पर 100% गारंटी के साथ आप निश्चित तौर पर भविष्य में सफल होंगे ही होंगे। अगर आप कोई एग्जाम देते हैं, कोई परीक्षा देते हैं और उसमें अगर 100% मेहनत नहीं करते, अगर उसके पीछे जुनून की हद तक आप उसके लिए मेहनत नहीं करते, तो आप निश्चित तौर पर उस परीक्षा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने लक्ष्य को ठान लिया है कि मैं उसको पूरा करूंगा ही करूंगा, और उसके लिए चाहे आपको 16 घंटे पढ़ाई करनी हो, 18 घंटे पढ़ाई करनी हो, या अपना कोई ऐसे आराम की चीज़ है उसको भी त्यागना पड़े, अगर आप उसको भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो 100% सत्य बात है कि आप सफल होंगे ही होंगे। तो ये है पहला लक्षण। दूसरा जो है वो है अपने जुनून को ही अपना करियर बनाते हैं। अगर आप अपने जुनून को अपना करियर बना देते हैं, जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आप अपना मन लगाते हैं, उसको ही अगर आप अपना करियर बनाते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे ही होंगे। चाहे वो आपकी करियर, आपका जुनून कुछ भी हो सकता है। जैसे हो सकता है कि कई लोग जो होते हैं वो कुकिंग बनाने में, इवन अगर आप सफाई करना भी पसंद करते हैं तो सफाई करने वाले भी आज सफाई करने में भी आप अपना करियर बनाएं, और लेकिन क्योंकि आपका रुचि उसमें है तो आप उसमें भी उतना बेहतर प्रदर्शन करेंगे जो आप दूसरी परीक्षाओं को देकर नहीं कर पाएंगे। तो जो जुनून है आपका, जो आप बनना चाहते हैं, अगर आपने ठान लिया कि मुझे IPS बनना है, तो फिर उस जुनून को ही अपना करियर बनाइए और फिर सिविल सेवा की परीक्षा दीजिए, तो और निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। तीसरे की बात करते हैं हम। तीसरा, नया और अलग सोचें। हमेशा नया सोचें और दूसरों से अलग सोचें। आप किसी को कॉपी और पेस्ट ना करें, ठीक, कि उसने इस तरह का काम किया है, अगर उसको उसने पहली अटेम्प्ट में कुछ क्लियर कर दिया, या उसने ये काम किया और उससे वो जबरदस्त सफलता उसको मिल गई है, उसको पैसे मिल गए, तो आप भी वही काम करने की कोशिश ना करें। आप खुद अपनी काबिलियत पहचाने कि अंदर आपके अंदर वो काबिलियत है, या आप उसकी रुचि उस चीज में थी इसलिए वो सफल हुआ। क्या आपकी रुचि भी उसी चीज में है? अगर आपकी रुचि उस चीज में नहीं है तो आप अपना खुद का करें कि मेरी रुचि किस में है, और नया करें और फिर उसको अलग तरीके से करें कि अगर 100 लोगों ने वो काम पहले ही किया हुआ है तो आप 101वां इंसान ना बने, बल्कि पहला इंसान कर बने जिसने वो काम अलग तरीके से किया। तो ये है तीसरा। उसके बाद चौथा, हमेशा अपने दिल की बात सुने और दिमाग की नहीं, ठीक। हमेशा जो अपने दिल की बात होती है वो ही सही होती है और वो आपको सही रास्ते पर लेकर जाती है, जबकि दिमाग की जो बात होती है वो आपको कई जगहों पर कायर भी बनाती है और साथ में आपको बड़े और निडर फैसले लेने से पीछे भी हटा देती है। जबकि अगर आप अपने दिल की बात सुने तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने हमेशा अपने दिल की बात सुनी और बड़ी चीज़ों पर दाव लगाया है। तो आप अपने दिल की बात सुनेंगे तो ही आप बहुत बड़ा इंसान बन पाएंगे और भविष्य में बहुत बड़े सफल व्यक्ति बन पाएंगे। जबकि अगर आप दिमाग की बात सुनेंगे तो आप यही सोचेंगे कि कोई अगर मुझे छोटी सी नौकरी मिल रही है तो ठीक है, मैं उसी में ही खुश हूँ, मेरे परिवार का घर खर्चा भी चल रहा है तो मैं उसी में ही खुश हूँ। तो इसलिए आप हमेशा अपने दिल की बात सुने और दिमाग की ना सुने। पांचवा जो लक्षण है उसका है आत्मविश्वासी बने लेकिन अहंकारी नहीं। आप आत्मविश्वासी बने कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये सबसे बेहतर कर सकता हूँ, लेकिन अहंकारी ना बने कि सिर्फ मैं ही ये काम कर सकता हूँ और दूसरा कोई ये काम नहीं कर सकता। आप आत्मविश्वासी इस तरह से बने कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसको मैं श्रेष्ठ तरीके से करूँगा, लेकिन ये भ्रम कभी ना पालें कि उसको सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ तरीके से कर सकता हूँ और दूसरा कोई उस कामों को श्रेष्ठ तरीके से नहीं कर सकता। या आप दूसरे की उपलब्धियों को अंडरमाइन करें, दूसरे की उपलब्धियों को नकार दें और सिर्फ अपना ही बीन बजाते रहें कि जो मैं कर रहा हूँ वही सबसे अच्छा है और दूसरा जो है उसको नीचा दिखाने की कोशिश करें। अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो भविष्य में आपके दोस्त होते हैं या सहपाठी होते हैं वो भी आपसे पीछे छूटते चले जाते हैं और वो भी आपकी मदद नहीं करते जब आपके मदद की आपको जरूरत होती है। तो इस तरह का काम बिल्कुल ना करें। आत्मविश्वासी जरूर बने कि मैं ये काम श्रेष्ठ तरीके से कर सकता हूँ और मैं ये श्रेष्ठ तरीके से काम करूँगा, लेकिन ये कभी ना सोचें कि दूसरा उसे कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए आत्मविश्वासी बने लेकिन अहंकारी नहीं। तो ये पांच लक्षण थे जिनके बारे में हमने बात की। अगर आपको वीडियो पसंद आई
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।